सवेरा बाजी, मेरे पास तो थोड़े से ही बर्तन धोने वाले रह गए हैं। आपको कितना टाइम लगेगा कुकिंग में? बस थोड़ा सा टाइम और लगेगा। बाजी, कुकिंग के बाद आपने मेरी मदद करनी है। मुझे अपनी कॉलेज की प्रेजेंटेशन पर काम करना है। आप प्रेजेंटेशन बनाने में मेरी मदद करेंगी? हाँ, क्यों नहीं। तुम्हें जो भी मदद चाहिए होगी मुझे बता देना। आप ही मुझे टॉपिक के बारे में सही से समझ नहीं आ रही, आप रिसर्च में मेरी मदद करेंगी? और मुझे स्लाइड भी सही से बनाने नहीं आती, इसमें भी आपने मेरी मदद करनी है। अच्छा भाई, कर दूंगी, पहले ये वाला काम तो खत्म हो जाए। जरा देखना कौन आया है। शायद पापा आ गए होंगे, मैं देखकर आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। अरे आंटी, कैसी हैं आप? बेटा मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ आंटी, आ जाए आप अंदर। बस बेटा, मुझे तुम्हारी मम्मा से छोटा सा काम था। कहाँ है वो? मम्मा तो घर पे नहीं है, वो फूफो जान के घर गई हैं, कल तक वापिस आ जाएंगी। कौन है निमरा? सवेरा आप ही मुशा आंटी आई हैं, जो हमारे साथ वाले घर में रहती हैं। सवेरा क्या किचन में है? जी वो खाना बना रही है। क्या सवेरा खाना बना रही है? लेकिन बेटा उसे तो नजर नहीं आता ना, तो वो कैसे बना सकती है? आप खुद ही चल के देख लीजिए आंटी। अस्सलाम वालेकुम सवेरा बेटा, कैसी हो आप? वालेकुम अस्सलाम आंटी, मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ बेटा, अल्लाह का शुक्र है। मुझे अभी निमरा ने बताया कि आप खाना बना रही हो, तो मैं हैरान होकर आपको देखने आई हूँ। बेटा आपको डर नहीं लगता? मतलब आपका हाथ जल सकता है या छुरी वगैरह लग सकती है? नहीं आंटी, मैंने कुकिंग का कोर्स किया है, हमें क्लास में इन सब चीजों के बारे में बताया गया है कि आपने बिना हाथ जले या बिना खुद को जख्मी किए किस तरह खाना बनाना है। अब मैं सब काम खुद कर लेती हूँ। लेकिन बेटा आपको ये सब करने की जरूरत ही क्या है, आपको तो आराम से बैठना चाहिए। क्यों आंटी, क्या मुझे दूसरों की तरह नॉर्मल जिंदगी गुजारने का हक हासिल नहीं है? मुझे तो सब काम खुद करना अच्छा लगता है, इस तरह मैं खुद को दूसरों से अलग महसूस नहीं करती। बेटा अल्लाह तुम्हें खुश रखे, मुझे तुम्हें इस तरह काम करता देखकर खुशी तो हुई है, मगर साथ में थोड़ी सी परेशानी भी हुई थी कि कहीं तुम्हें कोई चोट वगैरह ना लग जाए। आप ही तो अब इस काम पे एक्सपर्ट हो गई हैं। आप क्या लेंगी आंटी, आपके लिए चाय बनाऊं? नहीं बेटा, मैं बस तुम्हारी मामा को ये कमेटी देने आई थी। ये आप रख लो, और तुम्हारी मामा आए तो उन्हें मेरा सलाम कह देना। अब मैं चलती हूँ। अभी आपको इनकी बात का बुरा नहीं लगा? अरे नहीं, इसमें बुरा लगने वाली कोई बात नहीं है। असल में लोग इस बात से ज्यादा अवेयर नहीं हैं कि विजुअली इम्पेयर्ड पर्संस या किसी भी और माजूरी के शिकार अफराद बहुत सारे काम नॉर्मल लोगों की तरह कर सकते हैं। हमारे मौशे में आम मामूल यही है कि जो बंदा माजूर हो बस उसे आराम से बैठना चाहिए, उसे कोई काम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए वरना उसे चोट लग सकती है। इसी तरह बहुत से लोग अपने बच्चों को घरों तक महदूद कर देते हैं, उन्हें बाहर निकलने नहीं देते, उन्हें कोई सोशल स्किल सीखने नहीं देते, इस तरह उनकी सोशल ग्रोथ रुक जाती है और वो इस रवैये की वजह से कुछ करने के काबिल नहीं हो पाते। इस रवैये को चेंज करने की जरूरत है, लोगों को इस बारे में अवेयर करने की जरूरत है कि उनका इस तरह अपने बच्चों को ओवर पैम्पर्ड करना उनके बच्चों के लिए कितना नुकसानदेह है। चलो मैं जल्दी से बाकी काम कर लूं। तुम टेबल वगैरह साफ कर लो, पापा और भाई आते हैं तो फिर हम लोग मिलकर खाना खाते हैं। ठीक है आपी। निमरा,
तुम्हारी प्रेजेंटेशन के लिए मैंने कुछ आर्टिकल्स निकाले हैं, तुम इनको देख लो, फिर उनमें से जो पॉइंट्स तुम्हें अपनी प्रेजेंटेशन में शामिल करने होंगे उनको तुम कॉपी कर लेना। मैंने यहाँ पर 10 स्लाइड्स क्रिएट कर दी हैं। स्लाइड 10, स्लाइड 2। जो पॉइंट्स स्लाइड में ऐड करने हो उनको सेकंड स्लाइड में ऐड कर देना। अगर किसी मदद की जरूरत हो तो बता देना। अभी अगर कोई स्लाइड डिलीट करनी हो तो कैसे करेंगे? ये देखो, अगर किसी स्लाइड को डिलीट करना हो तो F6 प्रेस करना है। स्लाइड 6, स्लाइड 2। थंबनेल, स्लाइड 6, 6 ऑफ 10। जब थंबनेल व्यू आ जाए तो अप डाउन एरो से उस स्लाइड पर जाना है जिसको डिलीट करना हो, और फिर डिलीट बटन प्रेस करने से वो स्लाइड डिलीट हो जाएगी। स्लाइड 6, 6 ऑफ 9। अगर कोई न्यू स्लाइड क्रिएट करनी हो तो कंट्रोल M प्रेस करने से न्यू स्लाइड ऐड हो जाएगी। थैंक यू आपी, अब मैं कर लूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें स्क्रीन रीडर ऑफ कर देती हूँ ताकि इसका साउंड तुम्हें डिस्टर्ब ना करे। जी मैम, आपने मुझे बुलाया था। हाँ सवेरा, मैंने आपको बुलाया था। प्लीज हैव अ सीट। सवेरा, नई सुबह अपने स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप ऑफर कर रहा है। ये 6 वीक्स का प्रोग्राम है जिसमें स्टूडेंट्स को नई सुबह के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के साथ काम करने का मौका मिलेगा। आपकी टीचर्स ने आपका नाम इंटर्नी के तौर पर रिकमेंड किया है। मैंने आपको पूछने के लिए बुलाया है कि क्या आप इंटर्नशिप करना चाहती हैं? यस मैम, बिल्कुल मैं जरूर करना चाहूंगी। ओके, तो मैं आपका नाम शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट्स में शामिल कर लेती हूँ। कुछ दिनों तक आपको इसकी फर्दर डिटेल पता चल जाएगी। ओके मैम, मैं जाऊँ? जी बिल्कुल, अब आप जा सकती हैं। ओके, तो क्लास ये हमारे कोर्स का लास्ट सेगमेंट है जिसमें आपको वायरस और थ्रेट प्रोटेक्शन के बारे में बताया जाएगा। इंटरनेट यूज करते हुए हमारे कंप्यूटर को बहुत सारे मेलवेयर्स और वायरसेस का खतरा रहता है, तो आज की क्लास में हम इन्हीं मेलवेयर्स और वायरसेस से निपटना सीखेंगे। इसके अलावा हम ये भी सीखेंगे कि क्रैक्स और पैचेस को किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। सवेरा, तुम्हारा नई सुबह का एक्सपीरियंस कैसा रहा? अब तुम्हारे कोर्सेज कंप्लीट हो चुके हैं, कैसा रहा तुम्हारा ये सफर? बहुत ही अच्छा, मुझे यहाँ इतना कुछ सीखने को मिला कि मैं बता नहीं सकती। तुम्हारे जैसे अच्छे अच्छे दोस्त भी मुझे यहाँ आकर मिले। अभी तो नई सुबह में और भी काफी सारे कोर्सेज हैं जिनको मैं आइंदा सीखना चाहती हूँ। नाइस, मुझे सुनकर अच्छा लगा। तुम्हें एक और बात बताऊं, मैं रेडियो शो भी कर रही हूँ और मुझे इंटर्नशिप की ऑफर भी मिली है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह तुम्हें डिपार्टमेंट्स के साथ काम करने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। मैं भी पहले यहाँ इंटर्नशिप पर आई थी। बेस्ट ऑफ लक। निम्रा की बच्ची, मैंने तुम्हें आधा घंटा पहले चाय के लिए बोला था, अभी तक बनी क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि मैंने अभी तक बनाई ही नहीं। अभी सवेरा आपी का रेडियो पर शो आने वाला है, मैं शो सुनकर आपको चाय बना दूंगी। चलिए ना, आप भी सुनिए। अच्छा सुनाओ जरा।
अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी होस्ट आरजे सवेरा और आप सुन रहे हैं शो रहनुमाई सबके लिए। इस शो में हम आपको मुख्तलिफ स्किल्स के बारे में रहनुमाई फराहम करेंगे। इसके अलावा इस शो में शामिल होंगी बहुत सी मजे मजे की बातें जिनसे न सिर्फ आप इंटरटेन होंगे बल्कि आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। सवेरा, ये रहा आपका इंटर्नशिप लेटर। आपको कंप्यूटर क्लास, कुकिंग क्लास और ऑडियो लाइब्रेरी में मुख्तलिफ टास्क असाइन किए जाएंगे। उम्मीद है कि आपका ये एक्सपीरियंस भी अच्छा रहेगा। थैंक यू मैम। सवेरा, आपको इंटर्नशिप की मुबारकबाद। अब आपको मेरे साथ कुकिंग के लिए स्टूडेंट्स को गाइड करना है। ठीक है मैम। ठीक है, तो फिर आपका ग्रुप राइट साइड वाला हो गया है। मैं स्टूडेंट को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर देती हूँ। आप एक एक ग्रुप को बेसिक गाइडेंस दे दीजिएगा। मामा, मुझे आज इंस्टीट्यूट में बहुत मजा आया। मैंने आज एक टीचर की तरह स्टूडेंट्स को गाइड किया। ये एक न्यू एक्सपीरियंस था और मुझे बहुत अच्छा लगा। बेटा, मुझे तुम्हें खुश देखकर बहुत खुशी हुई। तुम नई नई चीजें सीख रही हो, ये बहुत अच्छी बात है। अल्लाह तुम्हें मजीद तरक्की दे। अरे सवेरा, मैंने उस दिन तुम्हारा रेडियो शो सुना था। सच में? आपने भी सुना था उमर भाई? हाँ, मैंने और निमरा ने एक साथ बैठकर सुना था। तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। थैंक यू उमर भाई। अपनी फिंगर्स को जैसे मैंने कीबोर्ड पर बताया है वैसे रखो। अब स्मॉल फिंगर से QAZ प्रेस करो। शाबाश। अब इसी तरह बाकी कीज को भी प्रेस करना है। सवेरा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जी सर, बोलिए। सवेरा, माशाल्लाह आप बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर रही हैं। आपने अपनी लर्निंग जर्नी से मुझे बहुत मुतासिर किया है। सर, ये सब कुछ आपने ही मुझे सिखाया है। सवेरा, आपकी इंटर्नशिप का ये लास्ट वीक है, आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर, बहुत ही अच्छा। मुझे दूसरों को सिखाना बहुत ही अच्छा लगता है। तो अगर मैं आपको ये बताऊं कि आइंदा मेरी जगह आपको ये काम करना होगा तो? क्या मतलब सर, मैं समझी नहीं। सवेरा, मुझे जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिल गई है। मैं मजीद पढ़ाई के लिए जर्मनी जा रहा हूँ। मैंने आपका नाम कंप्यूटर टीचर के लिए सजेस्ट कर दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी जगह आपको टीचर अपॉइंट कर दिया जाएगा। लेकिन सर, आपको पाकिस्तान से बाहर जाकर पढ़ने की क्या जरूरत है? यहाँ भी तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं। सवेरा, इंसान को हमेशा अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेना चाहिए। पाकिस्तान में बिलाशुबा बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, मगर बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजी ऐसी है जो अभी हमारे मुल्क में नहीं पहुंची। मैं उस न्यू टेक्नोलॉजी को सीखना चाहता हूं। और वैसे भी इंसान को जहां से भी इल्म मिल रहा हो उसे हासिल करना चाहिए। आपको भी एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको इस अपॉर्चुनिटी को ज़ाया नहीं करना चाहिए। जो कुछ आपने यहां आकर सीखा है आपने उसे दूसरों तक पहुंचाना है। आपको याद है कि कुछ अर्सा पहले जब आपने मुझे फ़ोन किया था और इन्फॉर्मेशन मांगी थी तो मैंने आपको गाइड किया था? जी सर, मुझे याद है। सवेरा, अभी भी ऐसे बहुत सारे विजुअली इम्पेयर्ड लोग मौजूद हैं जिनको रहनुमाई की ज़रूरत है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन तक रहनुमाई पहुंचाएं। मैंने अपना इल्म आप तक पहुंचा दिया है, अब आपने अपना इल्म दूसरों तक पहुंचाना है। इसी तरह दिए से दिया रोशन करते हुए हम एक दिन उस मकसद में कामयाब हो जाएंगे जो नई सुबह का एम है, यानी विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन को एम्पावर करना। ये आपका इंटर्नशिप का लास्ट वीक है और मेरा टीचिंग का लास्ट वीक। उसके बाद हम दोनों अपने अगले रोल के लिए आगे बढ़ जाएंगे। मेरी जानिब से आपको नेक्स्ट जर्नी के लिए बेस्ट ऑफ लक।